गाड़ी नाचे गाड़ी उ हमका मारत रहन त खड़ा होके मजा देखत रहे हम मजा नहीं देख पिलहरी देख रहे कहने यार माइक मारत है हम मजा आता है ठीक बन रहे ना आज ते हमका मारे हरे अगर एक ही बदला हम ना ले त हमार नाम भात ए रमेश आओ चलते हैं घर मगर कैसे ये जानू लगता कीजिए नहीं भागने को कोशिश किया ना तो एक कदम पर है गोली और दूसरे कदम पर दो गोली और तीसरे कदम पर गोलियों का बहुत छोड़ फूल से कांटे भले फूल से कांटे भले जो दामन थाम लेते हैं और दोस्त से दुश्मन भले जो जलकर नाम चली को याक कहते हैं अरे चली को याक कहते हैं और बुझी को राग कहते हैं जो जलकर कभी न बुझे उसे डाकू सेरा सिंह कहते हैं डाकू सेरा सिंह कहते हैं इतना ही नहीं किस गली से गुजरता है डाकू सेरा सिंह बच्चे अपने माँ को कहते सो जा मेरे लाल अरे चुप हो जा मेरे लाल नहीं तो डाकू सेरा सिंह आता होगा डाकू सेरा सिंह आता होगा समय की बात है साथियों मैं कभी का डाकू नहीं था साथियों लेकिन आज समय इस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया कि आज मैं एक डाकू बन गया हूं एक समय की बात है साथियों मैं इसी धारा नगरी के रहने वाला हूं और मेरे बाबूजी का नाम गिरधारी लाल किसान था और उसी धारा नगरी के महाराज विक्रमादित्य थे उनके यहां काम किया करते थे एक दिन की बात है साथियों उनके यहां एक पालतू कुत्ता सारा विदेशी आया था जिसका नाम कालो काल भैरव है महाराज विक्रमादित्य को जंगल में शिकार खेलने के लिए लिवा के गया बाबू मौका पाया महाराज विक्रमादित्य को गोली मार दिया जब गोलियों की आवाज सुने तो वो एक एक गरम खान चचा थे पहुंचे कहा रे काल भैरव तूने महाराज का खून कर दिया है अच्छा नहीं किया है काल भैरव ने कहा अक्रम मैं तुम्हें रिश्वत देता हूं तू किसी से मत बताना लेकिन अक्रम खान चचा ने कहा कि काल भैरव ये राज दरबार में मैं जाके बताऊंगा इतने में साला
अकरम खान चचा को गोली मार दिया। जब दूसरी गोली की आवाज गूंजी तो हमारे पिताजी खेतों में काम कर रहे थे, वहां से बल को छोड़ करके पैना लेके भागते हुए आए। जब देखे इधर महाराज विक्रमादित्य की लाश पड़ी हुई है बाबू, और बगल में अकरम खान चचा की लाश पड़ी हुई है। मेरे बाबूजी से बर्दाश्त नहीं हुआ, उठाए पैने को, कम से कम 200 पैने लगाए। इतने में जरा सा मौका पाया, पैने को बाबू छीन लिया। छीनने के बाद मेरे बाबूजी को मारने लगा, और इतना ही नहीं बाबू कि घसीटते हुए झोपड़ी तक लेके आया। उसी झोपड़ी में मेरी माँ सुशीला सो रही थी, और मेरे झोपड़ी में ले जा करके मेरे झोपड़ी में आग लगा दिया बाबू। मेरी झोपड़ी धू धू करके जलने लगी। उसी झोपड़ी में जलती हुई आग में मेरे बाबूजी को फेंक दिया। मैं अपने साथियों के साथ खेल रहा था, जब मैं सुना अरे सांभा तू यहाँ खेल रहा है, अरे तेरे घर में तो आग लगा दिया, झोपड़ी में तेरे माँ और बाप झोपड़ी में जल रहे हैं। मैं वहां से भागते हुए आया बाबू, देखा मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, उस काल भैरव साले के गिरेबान में हाथ लगा दिया और तीन चार फेंक मार दिया। उसके बाद उसके साथियों ने मुझे बंदूक के बाने से मार दिया, मेरे सर पे चोट आई, मुझे पहाड़ी पर से फेंक दिया। डाकू का हीरो मिल गया बाबू, मैं डाकू बन गया। लेकिन मैं कसम खाया और काल भैरव, जैसे तूने मेरे माँ बाप को जला करके माला है साले ना, एक दिन जब तक मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा तब तक मैं सुकून से नहीं बैठूंगा। मैं तेरे तलाश में काल भैरव आ रहा हूं, साले देखो तू कहां बच के जाता है। अरे समय कितनी ना भी नाजुक हो जमाना
बाबूजी मेरा परिचय लीजिए कि मैं कहाँ की रहने वाली हूँ और क्या मेरा नाम है। बाबूजी मैं धारा नगरी की रहने वाली हूँ और मेरा नाम लक्ष्मी है। लेकिन बाबूजी मैं तो बहुत छोटी थी, मैं अपनी माँ को तो नहीं देख पाई। लेकिन एक दिन की बात है, मेरे पिताजी जिनका नाम विक्रमादित्य और मेरे पिताजी का दोस्त जिसका नाम कालभैरव, एक दिन की बात है कालभैरव हरामखोर मेरे पिताजी के शिकार खेलने के बहाने जंगल में ले गया। और जब मेरे पिताजी शिकार की तरफ देखने लगे, इतने में काल भैरव राम कोर मेरे पिताजी को गोली मारने के बाद ओ मेरा पीछा करने लगा। मैं उसके डर से दर बदर ठोकर खा रही हूँ, घूम रही हूँ, ना तो मुझे कहीं पर ठिकाना मिल रहा है कि मैं कहाँ जाऊँ। या भगवान तेरा ही सहारा है मालिक, तू ही रक्षा करना भगवान। मैं भगवान भोलेनाथ की सात सोमवार व्रत रखी हूँ, आज मैं चल रही हूँ भगवान भोलेनाथ की पूजा करूंगी। या मालिक तेरा ही सहारा है भगवान, तू रक्षा करना मेरे मालिक। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाए, काहे को गौशाला गोबर निकालते रहे भाई, वह दिखाते तोरे गौशाला गोबर तो निकालते रहे। अब क्या कहता है, सुधर जा नहीं कल जलबो ना कर बे तू। अरे माई सबसे पहले कुर्सी लगाओ। माई कुर्सी लगाई का बात ये तनी बताऊ बेताऊ।
कुर्सी लगाओ, हम बैठ के अपने पति की इंतजार करी रे। देखी थी हमार सेठ कितनी देर में आवा थी, आज कई दिन उनका गायब हो गया। का करे ते कुर्सी बैठ पागल या जैसे कैके ही बैठे नहीं भूई में उसे हुआ बैठ वो कहती हम बैठे नहीं इसकी तय में सारे बेटवा गणपटी न जाने क जाने कहां चली जाते करी मैया का हम का बेटवा गणपटी हाले ले सुन लैया कितना लिया आई हम नहीं अकेले निकोला उनका बुलाए ले सेवक भाई मुर्गा वाले उन्हों बैठ के नकोलाए कम काम दे तेले सुनवा जल्दी काम आ जाए तकरी मैया का घर जाया तला ऊ नहीं रे तब बतिया सुनाई का के तक बतिया कटहरे वाले क्या हमें वाले ककरी वाले करे तोर माई भर रही चबाए रही का अब एक तू हिन बता सका था अरे फेर गेली बात तूने कहा था ए बताओ तोर माई बा अनि हमारे माई अरे सेठ जी कहे हमारे माई तू पूछत है यार ए फिर यार देखे बप्पू इनका कहा था हमारे माई कहे पूछत है न्याय ला का भा बतावा बेटावा तोर माई त हमार सब कुछ यार अनि अमर माई फिर यार मैं तो दुआ तो के खड़ा भड़ा ना कर ई बड़ो हमरे माई पीछे बड़ तोर हन के लोई लगी बे हां यो मने यही हता काहे कहता तोर माई पीछे पड़ा भी बड़ो चुप रे यार भाई छेड़ के हमारे भाई पीछा छोड़ डाली फेठाई माई तोर माई मौका बड़ी नीक लागे बुढ़वा मोरे भाई के पीछा ना छोड़ चेड़ के अली फेठाई माई चल बे का चेड़ के ऐसे नहीं अब चली माई लगे कुछ कहत माई भूख के पानी लोटा में गुड़ लगी तो चुप बोला चली हाँ हाँ जब ने तोर माई मोर गगरा लगा तरह ना ना कहार गगरा ना लगा साधु भैया घंडा लगा अरे डगरा अब साधु भैया कहाँ लगा गगरा
तू कहे गगरत, हम कहे हंडा का? हंडा आवाज चली, कैसे कुछ कहा चला? अरे खापई हम साधु सहारी रोटी जी। एक पल था मारे होई तो का खुद ही पता होई कैसे अरे दूल्हा ही ना दीवानी भाई रे दूल्हा ही दीवानी भाई रे चल दे फाटी गणपति का बताओ ये तोर माई कैसे बीमार भाई से तो बैठी बा अरे पेट की तो हा तोरे चिंता में बैठी यार देखा काता हमारे लिए किन किनी थे किनकिनी चावल लेके आए हैं लंबा लंबा ले बे तोरे लिए चिंता कर रही हैं अरे पेट जी फेठाई माई तोरे याद में क्या हुए मोर राजा मोरे आवे सजनवा मोरे आवे पलमू हिया तो ना कायदे से तोरे माई से कैसे बोली रे जा बोला मने लोई लगे कि तीनों इकट्ठा हो गया अरे मेरी जान गिड़ गिड़ बाम मेरी चमक चलो मेरी जीनत बेटवा गणपति फेन काहे बिना
प्रचार कर रहे। हम सुने के भाई राम कैलाश बतान की करेल क्या कही भाई सुबेरे जाट तो घरे कही का सो तोरे माई फलाने रखे करेला उर्फ राम हबलास बाबा जलालपुर से करेला। हाँ करेला तो नहीं खाया तो गलत का भटकाए हो की चला गया ए बेटवा तोर माई काहे बारे फेंका दी बारे माई फेंके माई फेंके अरे अरे पेड़ जी जब माई फेंके तू बैठ के का दे सके लपेट मोहम्मद से मनाई कारे नहीं बस न मन जा चला जा फारूक से मना ले भट्टा वाले मोहब्बत सेठ जी तेरी आधा से आधा से आधा से ए आगे हमारे बाबा श्री अनिल राम हबलास ए आगे राम हबलास ग्राम सभा जलालपुर से चल गए हैं। ये हमारे पटेल जी राम कैलाश के लिए 1000 रुपए का पुरस्कार पार्टी की तरफ से धन्यवाद। कैसे थे कैसे तेरे गोरे गोरे बाल और तेरे काले काले बाल पलट मेरी जान तेरा ध्यान किधर है तेरे गोरे गोरे गाल तेरा काले काले बाल और तेरा धवल पेट खिला तूने हे तेरी जान कैसे चल कहा था है माई कम मार जब एक बिना प्रेशर करा ले बेटा हम नहीं कहते पैसा कहवा बता